तो जब से कोविड-19 का मैटर फैला है, दुनिया भर में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की मांग की जा रही है और उसमें इंडिया भी शामिल है। पर इंडिया को यह समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर सकता है। और आप सभी लोग तो ये तो जानते होंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स किस तरह डोमिनेट करता है इंडिया में। तो फाइनली गाइस, जियो ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। और तो बिना किसी टाइम पास के, मैं हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल इन्फॉर्मर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, 15 जुलाई को अपने 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में जियो प्लेटफॉर्म पे मुकेश अंबानी ने कुछ फ्यूचर प्लान्स, गैजेट्स और 5G नेटवर्क पे बात की है। मुकेश अंबानी ने 5G को लेकर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने 5G नेटवर्क को इंडिया में 100% टेस्टिंग की बात की है और जियो की तरफ से ये भी कहा गया है कि इंडिया को वो 2G मुक्त देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे कुछ लोग और भी हैं जो 2G पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो तो या 4G डिपेंड नहीं कर सकते, या तो अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो उनके पास 4G मोबाइल नहीं है। दोस्त, बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। तो दोस्तों, जियो की तरफ से यह भी अनाउंसमेंट आई है कि वो जल्द से जल्द 5G का ट्रायल शुरू कर सकते हैं और जल्द ही 5G सर्विस को इंडिया में लॉन्च भी कर देंगे। और अगर बात करें 5G फोन्स की, तो अगर इंडिया में 5G सिम आ गई है तो 5G फोन्स भी लेने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, जो कि प्राइस में काफ़ी हाई हो सकते हैं। और इसके लिए गूगल ने जियो पे ओवर 33+ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और साथ ही साथ गूगल में और कुछ कंपनियां मिलकर एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका प्राइस आम आदमी भी अफोर्ड कर सके और ये आम लोगों तक पहुँचाया जा सके हर घर में। और तो और, मुकेश अंबानी ने कुछ ऐप्स डेवलपमेंट के बारे में भी बात की है, जैसे कि जियो मार्ट। मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम जियो मार्ट को कंबाइन कर रहे हैं व्हाट्सएप के साथ, क्योंकि आजकल कोविड-19 पैंडमिक के कारण लोगों को सामान की रिक्वायरमेंट है और लोग उसे पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और उसे लोग अब घर बैठे ही पहुँचा सकते हैं। जब जियो मार्ट पूरा कंबाइन हो जाएगा व्हाट्सएप के साथ, तो आप लोकल शॉप्स यानी किराना या तो आसपास की दुकानों को व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। जियो मार्ट से कस्टमर को कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज का सामान और किराना जैसी ज़रूरतमंद सामानों को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू और बिना किसी मदद के। और साथ ही साथ गली के, मोहल्ले और छोटे छोटे दुकानों से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है छोटे दुकानदारों के लिए। और जियो के दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम है इम्बाइब, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अब हम केवल इंतज़ार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं जियो टीवी प्लस की। तो गाइस, जियो एक ऐसा टीवी लॉन्च करने वाला है जिसमें आपको सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा और जिसमें आप सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जैसे कि आपको सारे ऐप्स को अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियोस, वूट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपको इन सब में अलग अलग सब्सक्रिप्शन पैक 150 या तो 200 का पर मंथली लेना पड़ता है। तो अमेजिंग बात इसमें यह है कि आपको इन सब को हटा के सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा, जो कि जियो टीवी प्लस का है। इसमें आप सारे ऐप्स का फ्री में लुत्फ उठा सकते हैं। और हालांकि अभी तक जियो ने इसकी प्राइस रिवील तो नहीं की है। तो फाइनली गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं जियो के लास्ट अनाउंसमेंट की तरफ, जिसका नाम है जियो AR ग्लास। जियो का AR ग्लास काफ़ी हद तक एक चश्मे को मॉडिफाई कर दिया गया है और उसमें नए फीचर्स डाल दिए गए हैं, जैसे कि उसको एंड्रॉयड वर्जन बनाना और कैमरा लगाना और 3D स्क्रीन बना देना, और जिससे आप पहनकर एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या तो वर्चुअली आप प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसका वेट काफ़ी लाइट है, जो कि 75 ग्राम्स है ओनली। रिलायंस ग्रुप इंडस्ट्रीज से यही उम्मीद है कि इसकी प्राइस अफोर्डेबल रखेंगे, जिससे लोग इसको अफोर्ड कर सकें। और आप हमें बताएं कि आपको इन सब अनाउंसमेंट्स में कौन सी अनाउंसमेंट सबसे अच्छी लगी, जियो की 5G नेटवर्क या जियो AR ग्लास, हमें कमेंट करके बताएं, हम उन सब कमेंट्स को देखेंगे। तो गाइस, मिलते हैं नए अपडेट में। टिल देन, गुड बाय।